उन बीजेपी सरकार जो है वो तो झूठ की व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, तो 60% से ज्यादा मुस्लिम लोगों के नाम लिखा हुआ है। यहाँ जो विरोध हो रहा है वो पाकिस्तान न जाने के लिए हो रहा है। हम यहाँ मरे हैं, यही हमारी खबर खुद है। बिल हम फाड़ देंगे, पास हुआ वाला ही फाड़ देंगे। आपका कहाँ से आया? मुद्दे क्या कहेंगे आप एनआरसी और सीए को लेकर? यही जो एक्ट है आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हाँ। बेसिकली अगर देखा जाए उल्लंघन है। अगर आप आर्टिकल 14 की बात करते हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आप किसी धर्म के तौर पर, राज्य के तौर पर, सिटी के तौर पर किसी को उसके ऊपर दबाव बनाकर कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं कर सकते जो कि आर्टिकल 14 के सरासर खिलाफ है। लेकिन वो तो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देखें उन बीजेपी सरकार जो है वो तो झूठ की व्यवस्था बनी हुई है। हाँ। आप अगर बात करें 15 लाख की बात करें क्या सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे वहां से उनका झूठ स्टार्टिंग और अब तक उनके झूठ खत्म ही नहीं हो रहे। अगर आप बात करेंगे उनका अब ये झूठ होगा फिर एक नया आगे झूठ बोलेंगे क्योंकि जो बीजेपी चल रही है वो तो झूठ के बेसिस पे ही चल रही है। तो क्या लगता है भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? बेसिकली जो उनका कदम है ये बट नहीं रहा, वो बटवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसे एक ला रहे हैं जिससे बटने की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़ रहा है क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है क्या ये? नहीं नहीं, अगर आप ऐसा नहीं है, सबका खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर आप बात करेंगे संघियों की तो इंडिया गेट पर अगर आप बात करेंगे तो 60% से ज्यादा मुस्लिम लोगों के नाम लिखे हुए हैं संघियों के, और चड्डी वालों का एक भी नाम नहीं है वहाँ पर। तो ये हमें बांटने को, ये हमें दबाने की कोशिश करेंगे, ये अंग्रेजों के दलाल है। अगर आप बात करेंगे सावरकर की, उसके अंग्रेजों के दलाल है, माफी मांग करके उनसे दोबारा दलाली करिए, हम अपने सबूत देंगे, हम तो यही करें। और अगर आप बात करेंगे हमारी सिटीजनशिप की या हमारे दादा परदादा की तो वो तो इस वतन के खिलाफ लड़े हैं, तो हम वतन छोड़ करके कहाँ जाएंगे? और ये आप यूपी में देखेंगे एसपी जी ने कहा है, मेरठ के एसपी ने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उस एरिया में जाकर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उन्होंने ये कहा था जो वीडियो क्लिप एनडीटी ने वायरल की थी बेसिकली। उसके बाद उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सबूत दिया है कि मैंने बेसिकली जो कहा था वो ये इसलिए कहा था कि कुछ वहां पर युवा लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्हें इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े पद पर है, उन्हें ये समझाया जाए यहाँ जो विरोध हो रहा है वो पाकिस्तान न जाने के लिए हो रहा है, तो वहां का मुसलमान फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के कैसे नारे लगा सकते हैं? ये उन्हें बताना चाहिए। लगा रहे थे नारा, कुछ सबूत नहीं है, 3 मिनट की क्लिप है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को? यही कहना चाहेंगे जो बेसिकली एक्ट लगाया गया है उसे वापस लिया जाए, जो कि बिल था पहला एक्ट बनाया गया उसे वापस लिया जाए, उससे जो साजी विरासत है, साजी शहादत है, साजी नागरिकता दी जाए, यही मेरा उनके लिए संदेश रहेगा। सर आपका नाम? दानिश हुसैन। क्या कहेंगे सर एनआरसी और सीए को? मुझे ये सब नहीं पता, ये देश वे संविधान ये सब सारी चीजें, मैं सिर्फ संविधान के हिसाब से चलेगा। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, अगर मेरा देश किसी इंसान के खिलाफ होगा वो दूसरे देश का होगा तो मैं अपने देश के सामने देश के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इंसानियत पसंद आदमी हूं, मैं इंसानियत को पसंद करता हूं, मुझे देश से मतलब नहीं होता। अगर दूसरे इंसान का जो मेरे देश का नहीं है उसके खिलाफ मेरा देश कुछ करेगा तो मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूँगा, ना कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, यहाँ का मुसलमान यहाँ पैदा हुआ है और यहाँ पर ही मरेगा। और मोदी ये जो चाह रहा है कि मोदी जो चाह रहे हैं कि यहाँ से निकाल दिया जाए, ये तो वो गलत फहमी में है। हम यहाँ मरे हैं, यही हमारी खबर खुदेगी, बस मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, और इस देश के हर मुसलमान की खबर यही खुदेगी। हाँ। जिस तरीके से वो तो लेकिन संसद में खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी धर्म को डरने की जरूरत नहीं है, उसको हम अब नहीं सुनेंगे, जबान से बोल रहे हैं, उसको कहने दीजिए, लिखित भी दे देगा तब भी हम, वो कुछ भी दे दे, हम मरेंगे, जिए यहाँ पर हैं, जन्म हमारा यहाँ हुआ है, हम यहीं मरेंगे, यहीं हमारी कब्र खोदेगी। वो पास भी कर ले बिल तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। अच्छा, जिस तरीके से वो अगर पास कर ले, हाँ, मान लिया वो उसने कर लिया तो क्या वो हमें निकाल देगा? हम यहीं पर हमारी कब्र यहीं खोदेगी। जिस तरीके से शाहीन बाग में वो पास कर ले बिल, अगर उस गलत फहमी में वो पास कर ले बिल, कबर पास तो हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। बिल हम फाड़ देंगे, पास हुआ वाला ही फाड़ देंगे, यही खुदना है हमारी कबर, चाहे आज खुदे चाहे हमारी 10 साल बाद खुदे, कबर यही खुदेगी हमारी।
अच्छा जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर राज्यसभा में पास किया गया, लोकसभा में पारित किया गया, सवाल पूरा कर लूं सर, उसके बाद जिस तरीके से ये एनआरसी और सीए को लेकर ये आर्टिकल 14 का संविधान का उल्लंघन करता है, तो नहीं लगता आपको कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी का सिर्फ मुसलमान के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है? गलतफहमी में जी रहे हैं वो, गलत फहमी में जी रहे हैं वो, एजेंडा बनाते रहे लेकिन वो जानते नहीं इस देश के मुसलमानों को। उन्होंने तो 370 को हटा दिया, वो जब चाहे जो कर लिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 कोई प्रॉब्लम नहीं, बनने दो, हमने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन वो चाहता है कि हम यहाँ पर ना मरे, वो गलत फहमी में जी रहा है। हम यही मरेंगे, कब्र हमारी यही खुदेगी, आज खोद दे वो, ट्रिपल तलाक पर भी उन्होंने अपना मन हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, हम तो चाह रहे हैं हमारी कब्र यही खुदेगी। अच्छा किस तरह से, नहीं लगता आपको कि भारत को एक हिटलर शाही की तरफ लेके बढ़ रहे हैं वो लोग? हाँ हिटलर शाही, मोदी हिटलर का काम कर रहा है और उसे पता नहीं है कि मुसलमान जब अपना काम करेगा तो फिर क्या होगा उस मोदी का, और तो क्या होने वाला है, बड़ी बड़ी जंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।